मैम कौन सी पिक्चर बना रहे हैं आप? हमने स्पॉन्सर करी है, पिक्चर का नाम है जज वर्सेस आयल्स, एंड ये जो पिक्चर है आयल्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, जो बच्चे बिना आयल्स करे बाहर जाने के लिए जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, एंड देन दे एंड अप कि कुछ नहीं उनका बनता, एंड एट लास्ट उनको आयल्स ही क्लियर करना पड़ता है, उसके बारे में बनाई गई है स्टोरी। तो मेन हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है? मेन हीरो का रोल जो है रवनीत सिंह कर रहा है, जो कैंटीन में भी आपने उसको देखा है, और खुशी मल्होत्रा जो है वो मेन एक्ट्रेस है, उसको आपने उड़ीक में जो है देखा है तो मैम आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या आगे भी चलेगा आपका प्रोग्राम? डेफिनेटली हम लोग जट वर्सेस आइस 2 बनाएंगे, और वो कनाडा में जब जट पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली अगली मूवी जरूर आएगी। तो कोई मैसेज दिया है इस पिक्चर में, क्या मैसेज दिया? यस, पिक्चर के जरिए जो मैसेज दिया गया है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे को बाहर जाना चाहिए वो सीधे तरीके से जाना चाहिए, आयल्स करके ही बाहर जाना चाहिए रहा है, आयल्स के 6 बैंड लेके बाहर जाओ, बिकॉज अगर तुम 5.5 लेके भी इंग्लिश प्रोग्राम से जाओगे तो तुम उसे वर्क वीजा तो पी आर नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं हैगा, सीधा ही तरीका जोड़ा होंगे वो वधिया तरीका होंगे। तो मैम जिहड़े एजेंटा बारे तुसीं कहोगे जिहड़े फ्रॉड करते हैं जिस तरह आईलेट दे वगैरह वगैरह, उन्होंने बारे तुसीं की कहना चाहोगे? सी हर एक का अपना काम करने का तरीका होंगे, उन्होंने तरीका हैगा, मैं किसी के बारे कह सकती हाँ, मेरा अपना तरीका हैगा, मैं अपने तरीके नाल काम करती हाँ, बट मेरे वास्ते एक नौ के तौर पर मैं हीरो हो सकता जी, पर जिन्हें एक लैजेंड फिल्म के है मेरे तो वे उन्होंने तो मैं सीखा गुरप्रीत कुकी भाजी, होबी धालीवाल जी, अनीता देवगन मैम, आप अपने आप के पंजाबी जो आप फिल्म इंडस्ट्री के पिलर की गल करिए थम ने जी, उन्होंने को बहुत कुछ सीखा, तिने कैनेडा है जी, उन्होंने शूट चलता इस करके अच्छ आ भी नहीं सके, तो ख्याली भाजी मुंबई तो लाफ्टर जरा शो से उन्होंने काम किया, पहला भी बहुत कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, सो मैं भागना कि मैंने फिल्म मिलेगी, और ये फिल्म लिखी हैगी है डायरैक्ट की जी देवी दत्त जी बैठे ने जी उधर, तो इन्होंने फिल्म लिखी है जी, इन्हों का कंसैप्ट से, तो मैं थैंक्स करना जी सर होर ने चुने जी मैनू इधर, इन्होंने पैसे लाए ने जी करता धरता मालविंदर सिंह संधू साहब, इंद्रजीत सर इन्होंने ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने जी फिल्म के, खुशी जी काम किया, दीप जी काम किया, ख्याली भाजी ने पहला भी नाम लिया, और बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा जी हूँ तक का, सो मोटी तो जिम्मेवारियां भी ज़्यादा ने जी, तो आप सब के सामने 22 जून फिल्म आ जानी है, बहुत वधिया सफर से बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा जी, और एक परिवारिक फिल्म बनाई है जी कॉमेडी हैगी है, तुसी जो अपने फैमिली नाल जाओगे, अपने मम्मी डैडी नाल जाओगे, अपने बड़े नाल जाओगे, अपने वाइफ नाल जाओगे, बच्चों नाल जाओगे, तो थोड़ा एक सिचुएशनल कॉमेडी और एक परिवारिक कॉमेडी वो होगी जी, परिवारिक रूप जी कॉमेडी होंगी तो देखने मिलेगी, कोई भी यहोजा सीन नहीं है जो थोड़ा लगेगा भी यार वो मैं फैमिली नाल आया सीगा यार की देखने मिल गया, सिचुएशनल कॉमेडी या रोमांस, रोमांस भी है जी थोड़ा जहा जिन्ना कि जट कर सकता जी, कितना जी हाँ जी कोशिश तो बहुत करता, बाकी फादर साहब का रोल ओबी धालीवाल जी ने निभाया जी, वो मैं झटके पेंदे रहते जी, जिदा घर घर की कहानी है मैंने, पर जट का एक एम इतना भी कनेडा जाना है, कनेडा जाना है, कनेडा 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 इन्नी खुकड़ी मार बैठा भी कनेडा जाना, हूँ आलो दुआले पिंड भी छेड़ते हैं किमें कनेडा लिया, जिमें चाचे ताए छेड़ते होंगे ने बल्ले 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 कनेडा किमें तरह जो दो बारी नहीं होंगे पेपर, बाकी बहुत वधिया घर घर की कहानी है जी, तो तुम जरूर प्यार दो जरूर देखियो जी, तो प्रेस की हमेशा ही मैं अपना सू सारे सपोर्ट की लड़ होती है कलाकार भावें कोई भी हो, तो आप सब तुम सपोर्ट करते भी आए हो, तो अगर भी थोड़ी लड़ है, थैंक यू सो मच जी बाबा जी, आप सब चढ़ के रखें कोई भी सवाल हो जरूर पूछ सकते हो, तो मैं माइक ओवर कर दी ख्याली भाजी, हाँ जी भाजी सत श्रीकाल जी, सारे ईद मुबारक, अब बहुत बड़ा त्यौहार भी है, तो कल असी अमृतसर से गुरु महाराज के मत्था टेक के आए, आशीर्वाद लेके आए, थोड़े को आशीर्वाद लेना आए, जट वर्सेस आईलेट्स एक किस्सा है एक्चुअली, क्योंकि हर एक का सपना है पंजाब विच कि बाहर जाइए, तो बाहर जान करके एक ये भी एक हैगा मौका कि आईलेट्स करके भी बाहर जाइए, बहुत सारे बंदे आईलेट्स करके जाते हैं, आईलेट्स करने वालों की दिक्कत समस्या कि फ्रॉड हो जाता है, कई अच्छा भी होंगे कई बुरा भी होंगे, कई बार अच्छा करके बाहर जाते भी है, उसी बेस से एक कॉमेडी एक फानी एक कहानी देवी दत्त जी सारे डायरेक्टर ने इन्होंने वो लिखी, तो आईलेट्स जरा सब्जेक्ट है वो भी अपने आप से थोड़ा जहा फनी है, क्योंकि जटा वास्ते फनी है क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी पड़ी है, तो सारे यही सोचते हैं कि बिना पढ़ाई करे किस तरह काम हो जाए, ऐसी कहानी को लेके एक हासा इन्हें पूरे हासे की माला बनाई है, सारे डायरेक्टर संधू साहब ने बहुत मेहनत की, पूरा प्रोडक्शन दिल्ली चंडीगढ़ इतने पटियाला लुधियाना चंडीगढ़ के आसे पास सारी मतलब पंजाब में सारी शूटिंग हुई है,
ਰਮਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਪੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਫਟਾਫਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਦੂਲਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭੂਤ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਫਟਰ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮੇਡੀ ਸਰਕਲ।